बहुत मेरी लड़की तंग थी। वो बी एम ए बी एड एसटेट सी टेट एम ए एम फिल नेट क्वालिफाइड है। रोजगारी की बात करया करती, मैं बोली माँ उन्हें इतनी मम्मी मैं उन्हें इतनी पढ़ ली, दो रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरी तो मैं मर जू। रोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो। कोई बात नहीं चलाई और बेरोजगारी का उसका हिसाब था, बहुत मेरी लड़की तंग थी तो जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके पढ़ने लिखाई पढ़ाई तो फिर मारा ती कोई कदम है तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख बे व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना, हमने वहां भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर है, फिर उसके लिए हमने पढ़ने का 13 साल जोड़ दी, हमने कोई बेरा नहीं था। यू इस हार कब छोटी दिल्ली 4-5 महीने हो गए मेरी छोटी लड़की ने साल जाएगी, तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई, हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह बोली मान अच्छी अच्छा डॉक्टर का दिखा दे भाई आपकी बीमारी है तो देखा मारे जामा मर जामा, तो आज बात हुई कोई आज? हाँ आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना, कोई बताया नहीं तो क्या कहेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रोटेस्ट कराया, तो कोई बेरोजगारी की बात करा करती घर पर? हाँ बेरोजगारी की बात करा करती, मैं बोली माँ उन्हें इतनी मम्मी मैं उन्हें इतनी पढ़ ली, दो रोटियां का रोजगार नहीं मिलता, इस तकरी तो मैं मर जू। हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है, हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है, उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था उसकी तैयारी करती है, वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार, तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी तो कल वापिस गई है वो हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे, कितना पढ़ लिखी है? वो बी ए एम ए बी एड एसटेट सी टेट एम ए एम फिल नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी, बेरोजगारी का मुद्दा है आज भी उन्होंने संसद में ही कहा कि बेरोजगारी? बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया, जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी वो, उनके साथ ही थी किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने, तो सर बेरोजगारी तो है ही आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस, तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमने वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी उसको? कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गई एकदम से? नहीं इसका नहीं पता था हमें, अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना उसका फोन आया था केवल टीवी ऑन कर, उन्होंने क्या बात होगी, उन्होंने बोला कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली।